नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बुधवार को हाई स्कूल 10वीं व हायर सेकेंडरी 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। गंज वासौदा से 12वीं की छात्राओं ने बाजी मारी। RS हाई सेकेंडरी स्कूल की छात्रा मानसी जैन ने 12वीं की मध्य प्रदेश की मेरिट सूची में 885 अंक प्राप्त करके दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह सेंट फ्रांसिस स्कूल की बायोलॉजी ग्रुप में साक्षी जैन ने 7वें स्थान प्राप्त किया। उसे 469 नंबर प्राप्त हुए हैं। स्टेट की मेरिट सूची में मानसी से बात करते हुए उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि UPSC की परीक्षा में IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं और इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सभी शिक्षकों ने उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई। गॉड की, फैमिली की, टीचर्स की और मेरे मेंटोर हैं सर अशोक सर, उनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा, क्योंकि जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी ये सब वन जो मुझे मोटिवेट करते थे मेरे क्लास टीचर मयंक सर। मतलब ये लोग ऐसे रहे हैं जिनने पॉजिटिविटी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल किया। सर ऐसे घंटे तो पर्टिकुलरली नहीं गिने, लेकिन हाँ मेहनत तो हार्डवर्क इज़ द मेन, हार्डवर्क बहुत ज़रूरी। भी मेरा जो अभी मैंने प्लान किया था वो लॉ करना है, फिर और मैं अपना इसका जो श्रेय है मैं अपने पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स को दूंगा जिन्होंने मुझे टाइम टाइम पर मोटिवेट करा। और जब भी मैं डिमोटिवेट होता था, मेरे टेस्ट वगैरह मार्क्स में कम आते थे, तो मेरे टीचर्स मुझे कहते थे कि टेस्ट वगैरह कुछ नहीं, बोर्ड एग्जाम्स पर फोकस करो। तो अगर बोर्ड एग्जाम्स पर फोकस लेके चले तो सब अचीव किया जा सकता। जुगैल थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोकसभा चुनाव 80 रावट संघर्ष के लिए अंतिम चरण के मतदान 19 मई को है। इसे देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी व अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी लाल कौल के प्रचार के लिए दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी BPRD पब्लिक स्कूल पर आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी व अपना दल के चुनाव चिन्ह कप प्लेट पर मोहर लगाने का आग्रह करते हुए जनता को भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न उपलब्धियों की जानकारी दी। इस सभा में भाजपा कार्यकर्ता एवं हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।